ये सब क्या है, करंट एसेट्स हैं, ये एक साल के अंदर हमारे पास से चला जाता है। फिर आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो एक साल से ज़्यादा हमारे पास रहेंगी, इनकी लाइफ एक साल से ज़्यादा है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब। फिर आती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब है उधार, जो भी पैसा बिजनेस ने लोगों से कर्जा ले रखा है, जो उसको वापस लौटाना पड़ेगा, उसको कहते हैं लाइबिलिटीज़। ऐसा पैसा जो एक साल के अंदर लौटाना है उसे कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़, जो एक साल के बाद लौटाना है उसे कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब है? कैपिटल का मतलब है वो पैसा, वो चीज़ें जो मालिक ने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है बिज़नेस में। देखो, बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो आप कर्जा तो लोगे ही, साथ में थोड़ा बहुत अपना भी तो पैसा लगाओगे, तो जो अपना पैसा लगाओगे उसे क्या कहोगे? कैपिटल। फिर आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब ओनर अपने यूज़ के लिए बिज़नेस से पैसा या सामान निकाल ले, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है ओनर के पर्सनल खर्चे, जब वो बिज़नेस से पे कर दे या सामान यूज़ कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना चाहो करो, बट पढ़ाई रोज़ करो। जैसे एक दिन खाने से कोई मोटा नहीं होता, तो एक दिन पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा।